हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कैलोस ऑफ रेडियंस पे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसी क्रीम जो कि काफ़ी मस्त है, बहुत अच्छी है। इसका नाम है ओर्मी फ्लेम मिल्क एंड हनी गोल्ड नर्सिंग गोल्ड एंड बॉडी क्रीम। यह क्रीम काफ़ी बेस्ट हो सकती है आपके चेहरे के लिए, मतलब कि आपके बॉडी के लिए, आपके हैंड्स के लिए। आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेग्स पे और या फिर कहीं भी बॉडी पार्ट पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्रीम है, आपकी स्किन को नरिशिंग करेगा, नरिशिंग प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही साथ बहुत अच्छा रखेगा। इसमें मौजूद दो प्राकृतिक पोषक तत्व मिल्क और शहद है, मतलब कि दूध और शहद से इसे बनाया गया है। इंग्लिश में बोले तो मिल्क और हनी का उपयोग किया गया है इस क्रीम में। इस क्रीम में काफ़ी सारे प्राकृतिक गुण हैं, मतलब कि काफ़ी सारे प्राकृतिक चीज़ों को इसमें डाला गया है। मतलब कि ये क्रीम मतलब केमिकल वाला नहीं है, काफ़ी अच्छा क्रीम है और बहुत अच्छा क्रीम है। आप इस क्रीम को चेहरे के साथ साथ हाथ पैर पे भी लगा सकते हैं। मतलब कि ये बॉडी क्रीम तो लिखा हुआ है लेकिन आप इसे स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ हैंड पे, लेग पे। तो मैंने आपको बताया है कि आप पैरों पे, हाथों पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। यह क्रीम अच्छी नमी देने के लिए शानदार है। अगर आपकी स्किन मतलब कि ड्राई रहती है तो आपकी स्किन को नरिश प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, नमी देगा और आपके चेहरे को खिला खिला दिखाएगा। ठंड में क्या होता है, हमारी स्किन सूख सी जाती है पापड़ी की तरह, तो उसको ये ठीक करके मॉइस्चराइज करेगा, नरिश प्रोवाइड करेगा, नमी लाएगा चेहरे में और आपकी स्किन को अच्छा करेगा। अब बात करते हैं गाइस इसके गुण के बारे में। कोई भी चीज़ होती है उसके गुण तो मैंने आपको इतने सारे बताए हैं, तो इसके अवगुण में भी मतलब कि अवगुण भी होगा तो वो भी मैं बताऊंगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मतलब कि बहुत सारी क्रीम होती है गाइस उसकी खुशबू बहुत अजीब होती है, हार्ड होती है, जिससे सिर दर्द होने लगता है, लेकिन इसकी खुशबू काफ़ी मनमोहक है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आप कहीं से भी गुजरेंगी तो वहाँ पर भी इसकी स्मेल आएगी, तो सबको पता चल जाएगा कि आपने कोई क्रीम लगाया है स्कूल में वगैरह। त्वचा को नमी दे सकती है, मतलब कि मैंने आपको बताया है कि आपके त्वचा को नमी देगी, मॉइस्चराइज करेगी, नरिश करेगी। लाइट वेट है, कोई क्रीम आप लगाते हो तो आपको लगता है आपका सिर दुखता है, तो और आपकी स्किन को लगता है कि आपने कुछ ऐसा लगाया जो इससे आपका सिर भारी लग रहा है, आपका फेस भारी लग रहा है, लेकिन ये लाइट वेट है और काफ़ी अच्छी क्रीम है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। कुछ क्रीम क्या होते हैं बहुत चिपचिप टाइप के होते हैं, मतलब कि चपचप थोड़ा सा अजीब लगता है वो सब, लेकिन ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। त्वचा को मखमली एहसास दे सकती है, काफ़ी अच्छी क्रीम है गाइस, तो एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आसानी से त्वचा में अवशोषित हो जाती है, मतलब कि अच्छे से घुल मिल जाती है आपके फेस पे। थोड़ा सा मैं अलग से बोलती हूँ इसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसे मतलब कि आपकी त्वचा को शानदार दिखाएगी, साथ ही साथ अच्छे से आपके फेस में ऑब्जर्व हो जाएगी, इसका मतलब ये है। अब चलिए इसके अवगुण भी जान लेते हैं। यह मुहासों वाली त्वचा के लिए ठीक नहीं है, जिनके चेहरे पर मुहासे हैं वो लोग इसे यूज़ कृपया ना करें, आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। और गाइस एक और इसका अवगुण है, इसका असर देर तक नहीं रहता है, तो ये बहुत बड़ा अवगुण है इसका कि इसका देर तक असर नहीं रहता है यार। लेकिन क्रीम काफ़ी अच्छी है, कहीं मतलब कि क्या इसमें क्या है, आप मतलब कहीं जा रहे हो तो आप उस वक्त लगाओ और जैसे ही पार्टी ख़त्म होगी तब तक तो वो रहेगा ही, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि पार्टी में आप बाथरूम में चली जाओ वहाँ पे लगा लीजिए, इसमें क्या है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है और मुहासे वाले स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो यही दो अवगुण थे गाइस इस क्रीम के, नहीं तो क्रीम काफ़ी बेस्ट है, तो एक बार यूज़ करना बनता है। अगर आप अपने लिए एक बहुत अच्छी सी क्रीम सोच रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। होप आपको आज का वीडियो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमें सारी वीडियोस अपडेट रहे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।